हेलो दोस्तों, मैं आगे निकल रहा न्यू डे लेके। और इस वाली वीडियो में भाई मैं अपना सेटअप दिखाऊंगा, मेरा कुछ कह सकते हैं कुछ मेरा कुछ भाईजन का, लेकिन दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है कि यार क्या सेटअप यूज कर रहा है बंदा, और फिर उससे ना उनको ये भी जानना होता है कि क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह है, ताकि उनको भी, क्योंकि अक्सर लोगों को बनाना होता है सेटअप। तो तुम लोगों ने लाइटनिंग वगैरह तो देखी होगी, लाइटनिंग मेरी वीडियोज में अच्छी आ रही होती है। ये देखो सबसे पहले नंबर पे, तो ये देख लो पीछे, ये जो पूरा का पूरा पर्दा है ना, ये पर्दा नहीं है, ये है ग्रीन स्क्रीन। अब ये मैं बिछाऊंगा तो मतलब ये पीछे डल जाती है पूरी की पूरी, सारा का सारा ये जो बैकग्राउंड है ना, ये छुप जाता है। अब ये जब छुप जाता है तो उसकी वजह से फायदा ये होता है कि आप अपनी वीडियो में से बैकग्राउंड को हटा सकते हो, फिर बंदा डायरेक्ट आ जाता है। दूसरी चीज ये कि ये देख सकते हो तुम, ये सारा का सारा जो फोम है ना, ये भरा पड़ा है, ये देख रहे हो भरा पड़ा है ये हर जगह। तो ये वाला जो फोम है, ये आपकी जो आवाज है उसको, मतलब नॉइज जो होती है ना, वाइब्रेशन या एको वगैरह, उसको कम कर देता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्लियर आवाज आती है। ये दो चीजें हो गई, ठीक है। ये ग्रीन स्क्रीन जो है बहुत ज्यादा कम यूज करता हूँ, ये मतलब ना होने के बराबर, ठीक है। ये तो मतलब नॉर्मली यूज आता रहता है, ये देख लो हर जगह लगा हुआ है। दूसरी चीज ये हेडफोन, ये नॉर्मल से ही, कोई महंगे महंगे नहीं है, ये 1500 रुपए के उठाए थे, 1500 भी नहीं, 1000 या 1500 के ऐसे ही करके कुछ के उठाए थे, ज्यादा महंगे नहीं है ये। अब मेन चीज पता है वीडियो में क्या होती है, हर वीडियो को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइटनिंग। अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को मेरे पास लाइटनिंग कितनी है। ये देखो सबसे पहले नंबर पे एक लाइट लगी हुई है, ये है बल्ब वाली लाइट, ये खुद बनाई थी मैंने। और इसका ये था, देख लो इसकी रोशनी, अगर मैं बाकी लाइट्स भी बंद कर दूं ना, ये अच्छी खासी रोशनी देगा। ये अराउंड बनी थी 400 की या 500 की, ऐसी करके कुछ बनी थी। ट्राइपॉड वगैरह तो सबको पता है कितने का मिलता है, 600 रुपए का पाकिस्तानी में, पाकिस्तान में मिल जाता है, बाकी तुम लोग देख लेना कितने का मिलेगा तुम्हें। और ये रिंग लाइट है, ये छोटी रिंग लाइट है, इसकी इतनी रोशनी नहीं है, लेकिन ये इस वजह से जला देता हूँ कि कहीं से अगर शेडो वगैरह रह जाए, मतलब शेडो आ रहा हो तो वो कवर हो जाए। अब ये भी है, ये भी बेकार लाइट है, ठीक है, मतलब एकदम बेकार लाइट है, किसी काम की नहीं है, पहुंचती नहीं है इसकी लाइट सही से, लेकिन फिर भी जलाता है इस वजह से, ताकि कहीं से, जैसा मैंने बताया, शेडो का प्रॉब्लम ना आए। अभी देख रहो इसकी इतनी तेज लाइट है, अगर मैं ये वाली बंद कर दूंगा ना, ये वाली बंद कर दूंगा और ये वाली जलाए रखूंगा, तो इसकी इतनी तेज लाइट है कि मुझे फिर प्रॉब्लम होगी बाद में। अब तीसरी चीज मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये सबसे बड़ी लाइट, रिंग लाइट, ये काम की है, ये ऐसी है कि तुम लोगों को एक सेकंड सही से दिखा देता हूँ। देख रहे हो अब इसके अंदर ये होल्डर लगाया हुआ है। अब मोबाइल पता क्या होता है, जब इस पे लगाओ ना तो नीचे की तरफ गिरता है, दिखा तुम्हें, मतलब इस पे लगाओ तो इस पे जैसे ही वजन पड़ता है तो नीचे की तरफ गिरता है। उसके लिए डंडा ऐसे ही मेरा भाई वो काम वाम करता रहता है अलग अलग किस्म के, तो उसके लिए ये था, ठीक है। ये डंडा दिखा देता हूँ, ये जो डंडा है, अब इसका क्या है, ये जब इस पे मोबाइल रखो तो इसके ऊपर ये जाके अटक जाता है, देख रहे हो, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मोबाइल ज्यादा नीचे नहीं आता और इसकी वजह से सही एंगल आ जाता है, तो इसकी हाइट भी उसके हिसाब से एडजस्ट की हुई है। अब ये सारी चीज हो गई लाइटनिंग वगैरह का। अब मेरे दो चीजें इंपॉर्टेंट जो है वीडियो बनाने के लिए, मैं कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मोबाइल का कैमरा यूज, कैमरा तो यूज करो, लेकिन अपने मोबाइल का माइक यूज नहीं करना। माइक का क्या होता है, क्योंकि वो हर जगह का ऑडियो पकड़ रहा होता है, क्लियर ऑडियो नहीं पकड़ता और नॉइज इतनी ज्यादा नहीं वो कम कर पाता, जिसके लिए मैंने रखा हुआ ये माइक। ये देख सकते हो, ये सादा सा लेवेलियर माइक है, ये मैं इधर ही लगाता हूँ। ये मेरे पास ट्राइपॉड था यार, ये मैं काम करता था तो उसमें ही मतलब आ जाता था ये ट्राइपॉड वगैरह, तो उस पर ही फिर ये मुझे मिल गया और इस पर मैं ये लगाए रखता हूँ। अब ये है सीन पार्ट, मैं तुम्हें कुछ ऐसे दिखा देता हूँ, दूर से चेक कर सकते हो। ये आ गया कीबोर्ड, यार ये बहुत ज्यादा नॉइस करता है, दिन को मैं बोल बोल के थक गया हूँ, तुम लोग भी बोलना कीबोर्ड चेंज करो, बहुत ही मतलब ऐसा शोर मचाने वाला कीबोर्ड है। अब दूसरी चीज ये देख लो, ये जो है ना माइक, ये मैं यूज करता हूँ और इसको मुझे बिल्कुल अपने मुंह के पास रखना पड़ता है, ठीक है, अगर मैं इसको मुंह के पास नहीं रखूंगा ना, आवाज की वाट लग जाएगी सारी, कोई दरवाजे पे आ गए आवाज की वाट लग जाएगी। अब ये देखो मैं बिल्कुल कीबोर्ड को इधर आगे कर देता हूँ, ये मेरा माउस आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल कोने पे, और बीच में फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, मुंह के सामने, तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा मुंह के सामने ही आ जाता है, और भाई इतने हट आराम है, दरवाजा कोई भी नहीं खोलता है, ये सारे बैठे हुए होंगे अभी तक, अब जाके खोले दरवाजा, कब से बेल बज रही है। अब भाई ये तो हो गया मेरा फिजिकल सेटअप जो कंप्यूटर से हटके था। अब मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कुछ चीजें जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तुम लोग इधर देख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड जो है वो रेडियन का लगा हुआ है, 550 लगा हुआ है, ठीक है, और ये 4 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, DDR5 और 1500 mAh, मतलब ये ऐसा है बस चल जाता है, गुजारे लायक है। और दूसरी चीज ये कि मैं तुम लोगों को और मजीद दिखा देता हूँ, ये देखो रैम जो है सिर्फ 8 GB लगी हुई है, 4i5 सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन नहीं है, सेकेंड जनरेशन है, 4 कोर्स 4 थ्रेड्स, ये देख लो थ्रेड्स लिखा हुआ है, कोर लिखा हुआ है, कोर्स लिखा हुआ है, फोर लिखा हुआ है, 3.9 GHz, मतलब कहते हैं ये 3.2 लेकिन होता है ये 3.1 या 3.9 है, हाँ 3.1 GHz है ये, 8 GB रैम। बाकी ये जो सेटअप है, ये सारा का सारा जो नजर आ रहा है तुम लोगों को, ये वो है AMD का खुद का ये सेटअप है। अब ये जो मॉनिटर है ना, ये बहुत ही बेकार मॉनिटर है, क्यों बेकार है तुम लोग बोलोगे, नहीं मॉनिटर तो सही लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें मसला पता है क्या है, इसमें मसला ये है, इसके 16:9 का रेशो नहीं है, ठीक है, 16:9 का क्या होता है, वो थोड़ा सा कम आएगा और उसके ये साइडों से बड़ा हो जाएगा,
जिसकी वजह से जो YouTube का जो एंगल है ना वो 16:9 का है, रेशियो जो है ये उससे ऊपर का है। अब क्या होता है वो साइडों से बॉर्डर आ जाते हैं ब्लैक ब्लैक, तो उसमें भी वीडियो को कट करना पड़ता है। ये देखो माइनक्राफ्ट पड़ा हुआ है, कार फॉर सेल पड़ा हुआ है, चूचू चार्ज पड़ा हुआ है, कैपकट सिटी स्काईलाइन, ये देखो GTA 5 नीचे, ये चेक कर सकते हो तुम लोग, ओपन आईवी वगैरह, ये दिनों की चीजें सारी। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बताता हूँ। अब ये तो सारा का सारा हो गया मेरा सेटअप, ठीक है। मतलब अब इसमें से मैंने दो चीजें ली हैं, एक ये मैंने डब्बा बनाया, ये दूध का डब्बा जब खाली हुआ था घर में तो उसका मैंने ये बना दिया था, और ये अराउंड मुझे बना है 350 या 400 रुपये का मैक्स, और ये भी 350-400 रुपये की मैक्स। इसमें भी ये मैंने जो हेडफोन्स का डब्बा था उसके अंदर ही बना लिया मैंने, और बाकी ये चेक कर सकते हो तुम, ये दिनूब लेके आया था, नज़र आ रहा है? हाँ, ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ दिनूब लेके आया था, और इस पे ये था, ये इसमें बहुत सारी ना वो लग जाती हैं, क्या बोलते हैं, देख रहे हो, यूएसबी लगी हुई है, यूएसबी लगी हुई है, सारी यूएसबी लगी हुई है। अभी यूएसबी क्यों लगी हुई है इस पे मैं बताता हूँ, ये यूएसबी इसकी वजह से लगी है। देख रहे हो, रिंग लाइट रिंग लाइट रिंग लाइट, तीन रिंग लाइट इससे चल रही है, तीन रिंग लाइट को ये चलाती है। बाकी भाई सेटअप में ऐसा कुछ खास है नहीं, मतलब इतना कोई अमीर ज्यादा तो हूं नहीं कि मैं तुम लोगों को मजीद दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी है, ये भी है। अब ये दिखा देता हूँ मैं, ये मेरे भाई ने बनाया था, ठीक है। अभी मेरे जो भाई ने बनाया था वो अपनी वीडियोस के लिए बनाया है, वो मैं कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करता, ये मेरा नहीं है ना, ये मेरी वीडियोस में कभी तुम्हें नजर आएगा, हो सकता है कभी कभार नजर आ जाए कुछ हो सीन पार्ट, लेकिन वैसे कभी भी नजर नहीं आएगा। बाकी ये देखो सारा कचरा वचरा पड़ा हुआ है, और ये रूबिक्स क्यूब पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, इसको मैं बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, तुम लोगों को किसी दिन दिखा दूंगा बना के, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब इसको ना हाथ में पकड़ लेते हैं जब टाइम पास करना होता है कोई वीडियो में, जैसे अक्सर क्या होता है कार फॉर सेल खेल रहा होता हूँ ना तो ऑप्शन बहुत देर में खुलता है तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, तो इसको बना लिया हाथ के हाथ, फिर बिगाड़ दिया, ऐसे कर लेता हूँ। मैं तुम लोगों को रेट्स बता देता हूँ, ग्राफिक्स कार्ड दीनूब ने लिया था, उसको रेट्स का अंदाजा नहीं था, मतलब वो चेक वेक नहीं करता, ठीक है, इतना चेक वेक नहीं करता, भारी वारी नहीं करता वो, मैं हूँ, मैं डीटो की तरह चेक करता हूँ, सब कुछ ढूंढ ढांड के लेता हूँ। उसने लिया था RX 550 जो कि है 35,000 रुपये का, मार्केट से जो लिया था बॉक्स पैक, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगा कि RX 550 लो, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप लो अगर तो RX 480 लो, 480 1650 से थोड़ा सा ज्यादा जानदार है, और 1650 आपको अराउंड 50 तक का मिलेगा, और RX 480 मतलब 480 जो है वो आपको मिल जाएगा अराउंड 25 to 30 के दरमियान में, तो बहुत अच्छी डील होगी ये, और पाकिस्तानी रेट बता रहा हूँ, इंडिया में तो और भी बहुत ज्यादा सस्ता मिल जाएगा, बहुत बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है गेमिंग वगैरह के लिए। सेकंड नंबर पे जो चीज है, हमेशा अपना जो प्रोसेसर है ना ये i5 सेकंड जनरेशन कभी भी नहीं लेना, कम से कम भाई 8 थ्रेड या 12 थ्रेड ऐसी करके जो ज्यादा थ्रेड वाला हो ना वो लेना, वो सबसे बेस्ट है। और उसका लाजमी एक चीज चेक कर लेना, जब भी तुम लेने लगो ना तो वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर लेना उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट है कि नहीं, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन जब भी आप फिर मोबाइल के गेम्स कंप्यूटर पे खेलना चाहोगे तो वो उससे चलते हैं, वर्चुअलाइजेशन के बगैर आपके बहुत घटिया चलेंगे, बहुत लैगी करेगा, तभी मैं इस कंप्यूटर पे नहीं खेल पाता क्योंकि वो सपोर्ट नहीं हो पा रहे। अब यही है बाकी, और डोंगल वोंगल लगा हुआ है कंप्यूटर में, मैं तुम्हें हाँ कंप्यूटर दिखाना भूल गया, केसिंग वेसिंग कुछ खास नहीं है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ फिर भी। भाई ये कंप्यूटर है देख लो, ये नीचे पंखे वंखे मतलब अपने ही चल रहे हैं, इसके कुछ एक्स्ट्रा लगाया हुआ नहीं, वाटर कूल्ड वाटर चूल पता नहीं जो भी नहीं होता वो भी, मतलब जो भी है वो नहीं है ये, ठीक है। ये हैंड पी की तार लगी हुई है हेडफोन्स की, सादा सी केसिंग है अंदर, ये देखो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगे हुए हैं लेकिन तुम लोगों को सही नजर आ नहीं रहा होगा। अब ये है, इसमें भी भाई कुछ खास नहीं है, ट्राइपॉड्स बहुत सारे लगे हुए हैं। ये जो टेबल है भाई ये 1901 के जमाने की है, टेबल के ऊपर हम लोग टीवी रखते थे, वो जो ट्यूब वाला टीवी नहीं होता वो वाला टीवी रखते थे, और इसमें भाई ये तब से ही रखी हुई, तो इसको सपोर्ट देके इस टेबल को बनाया था। इधर दो एल की मतलब एल लगे हुए जिससे यूं करके उसको स्टैंड करवा देते हैं वो उसके ऊपर, ठीक है, एल जॉइंट्स कहलाते हैं ऐसी करके, और उसके ऊपर फिर क्या होता है उसके ऊपर टेबल आ जाती है इसके ऊपर यूं करके, और फिर ये दूसरा जो साइड है सपोर्ट के लिए वो फिर ये दे रही है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सेटअप है, अगर तुम लोग ये पूरा सेटअप बनाना भी चाहोगे ना तो मैं प्रीफर करूंगा ये रिंग लाइट्स नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना, उसकी जगह ये जो मैंने बताया ना 350-400 रुपये वाली जो लाइट्स मैंने बनाई हुई खुद डब्बों से ये कर लेना, और इसका तुम्हारा अराउंड ये अगर तुम मैं कहता हूँ 4 लाइट्स भी लगाओगे ना, दो इस साइड के लिए दो इस साइड के लिए, तो भाई ये पड़ जाएगा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1200-1500 रुपये का, और पाकिस्तानी रेट्स बता रहा हूँ, इंडियन रेट्स नहीं बता रहा, और बहुत ज्यादा सस्ता है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगा हो, ये बच्चा अपनी चीज के पैसों से खरीद सकता है, इतना ज्यादा सस्ता है। और कंप्यूटर का जैसे मैंने बताया ग्राफिक्स कार्ड लो तो RX 480 लेना सस्ती रेंज में, बाकी ऊपर की रेंज है तो वो मुझे नहीं पता, तुम अच्छे ग्राफिक्स कार्ड भी देख सकते हो, लेकिन अगर सही में अच्छी खासी रेंज है ना लाखों में है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा कि वो लो AMD का 5500 है शायद, वो सर्च कर लेना, वो भाई ग्राफिक्स कार्ड जो है 3060 या 3070 को हराता है, ठीक है, तो वो ले सकते हो, बस उसमें शायद रे ट्रेसिंग का थोड़ा वो है कि रे ट्रेसिंग नहीं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अगर थोड़े मतलब पैसा है अच्छा खासा और इतना ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा होता है ना जैसे RX 4090 वगैरह ले लिया वो वाला पैसा नहीं है, तो मैं कहूंगा कि AMD का 5000 की जो सीरीज का है ना 5500
वो लेना, वो सबसे बेस्ट है इस मामले में। वो RX से वो नहीं GTX 3090 वगैरह सबको हरा देता है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। मेरे ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 491। मैंने सोचा था कि 500 सब्सक्राइबर बनाऊंगा, लेकिन मैंने यार मुझे ना कंटेंट में ये कारपोर से खेल खेल के ना काफ़ी ज़्यादा घिस गया ये कंटेंट। तो मैंने सोचा पहले एक नॉर्मल वीडियो डालता हूँ, सेटअप टूर की डाल देता हूँ, बाकी बाद में फिर मैं अपनी कारपोर सेल की वीडियो डालूंगा। अगर तुम लोगों को कारपोर सेल की वीडियो अच्छी लगती है तो यार कमेंट करके बता देना, और अगर तुम लोग नए हो चैनल पे तो जाके देख लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।